अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने भी आज और कल होने वाले पेपर मुलतवी कर दिए। ओपन यूनिवर्सिटी के 18 अक्टूबर को होने वाले पेपर 17 दिसंबर को होंगे। 19 अक्टूबर को होने वाले पेपर 18 दिसंबर को होंगे। पंजाब में दफा 144 नाफिस होने पर पेपर मुलतवी किए गए। पंजाब हुकूमत का नाकस कारकर्दगी वाले स्कूल आउटसोर्स करने का दूसरा मरहला। फैसलाबाद के 114 स्कूलों में सिर्फ दो इसातिज़ा मौजूद, बच्चों की तादाद भी 100 से कम। सीईओ एजुकेशन को दूसरे फेज में आउटसोर्स किए जाने वाले 114 स्कूल्स की फहरिस्त भी भिजवा दी गई। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से, जी बताइएगा। हुकूमत की तरफ से फैसला किया गया था कि नाकस कारकर्दगी वाले जो स्कूल्स हैं उनको गवर्नमेंट से लेकर प्राइवेट ऑनर्स के हैंडओवर किया जाएगा। आउटसोर्सिंग के हवाले से दूसरी फहरिस्त जो है वो जारी की गई, जिसमें फैसलाबाद के 114 स्कूल्स क्राइटेरिया पर पूरा उतरे। क्राइटेरिया ये था कि जहां पर असाज़ा की तादाद महज 2 होगी और बच्चों की तादाद 50 से लेकर 100 तक होगी। ऐसे नाकस कारकर्दगी वाले स्कूल जो हैं उनको मेंशन किया गया और इस हवाले से फैसलाबाद की दूसरे फेज में जो फहरिस्त सामने आई, 114 स्कूल मजीद आउटसोर्स किए जाएंगे। इस हवाले से पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन जो है शहरियों से और इसके साथ साथ जो निजी स्कूल मालिकान हैं उनसे और NGOs जो है उनसे दरख्वास्तें तलब की गई हैं स्कूलों को हैंड ओवर करने के हवाले से, ताकि वो इन स्कूल का इंतजाम चलाएं, जहां से दो भी जो टीचर दो टीचर तैनात हैं स्कूलों में उनको दूसरे स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये बच्चे और तमाम जो बिल्डिंग्स हैं, तमाम जो इदारे हैं वो प्राइवेट ऑनर के हैंडओवर किए जाएंगे, ताकि वो यहाँ पर अपना स्टाफ रख के अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से इनको चलाएं, यहाँ पर बच्चों का दाखला बढ़ाएं और वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर करें। इस हवाले से दूसरी फहरिस्त जो है वो पंजाब हुकूमत की तरफ से जारी कर दी गई है। फैसलाबाद के मजीद 114 स्कूल जो हैं अब वो प्राइवेट ऑनर को सौंपे जाएंगे, ताकि वो इन स्कूल्स को बेहतर तौर पर चलाएं, यहाँ पर बच्चों की तादाद बढ़ाएं और क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर करें। जहांगीर अशरफ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।